नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं शिखा शर्मा। एक नजर डालेंगे नॉनस्टॉप खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी 5 अप्रैल को यूपी में 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। 11:30 बजे वो अमरोहा लोकसभा सीट के लिए गजरौला में जनता को संबोधित करेंगे। इसके बाद दोपहर 1:30 बजे सहारनपुर में जनता से वोट मांगेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज महाराष्ट्र के चंद्रपुर में जनता को लुभाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद राहुल गांधी पुणे के छात्रों से रूबरू होंगे। कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी आज गाजियाबाद में रोड शो और रैली को संबोधित करेंगी। प्रियंका गांधी 3 बजे रैली को संबोधित करेंगी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और असम में जनता को साधने की कोशिश करेंगे। राहुल गांधी ने आज वायनाड, आपको बता दें कि वायनाड सीट से नामांकन भरा। राहुल ने वायनाड जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन भरा। इस दौरान राहुल के साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी भी मौजूद रही। राहुल गांधी ने इस बार अमेठी के साथ साथ वायनाड सीट से भी लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है। वायनाड सीट कांग्रेस के लिए सुरक्षित मानी जा रही है, इस वजह से राहुल यहां से भी ताल ठोक रहे हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने अपने ब्लॉग के जरिए बीजेपी को दी नसीहत। आडवाणी ने लिखा, बीजेपी ने कभी भी राजनीतिक तौर पर असहमत लोगों को राष्ट्र विरोधी नहीं माना। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मार्गदर्शक मंडल के सदस्य लालकृष्ण आडवाणी ने लिखा ब्लॉग। आडवाणी ने कहा कि मेरे जीवन का मार्गदर्शक सिद्धांत है, नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट, सेल्फ लास्ट। वायनाड सीट से राहुल गांधी ने नामांकन के बाद रोड शो किया। इस दौरान भारी भीड़ उमड़ी। उनके रोड शो को लेकर कार्यकर्ताओं में खूब उत्साह देखने को मिला। प्रियंका की सक्रिय राजनीति में पारी शुरू करने के बाद दोनों भाई बहनों का एक साथ ये दूसरा रोड शो है। इससे पहले दोनों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रोड शो कर चुके हैं। बता दें कि आज राहुल गांधी बहन प्रियंका गांधी के साथ वायनाड पहुंचे। इस दौरान राहुल बेहद ही खास अंदाज में दिखे। राहुल ने कुर्ता और लुंगी पहन रखी थी। राहुल के स्वागत के लिए काफी भीड़ भी हुई। वायनाड में राहुल गांधी के रोड शो के दौरान बड़ा हादसा हो गया। रोड शो के दौरान बैरिकेड टूटने से कई पत्रकार घायल हो गए और अफरा तफरी मच गई। इस दौरान राहुल गांधी रोड शो छोड़कर घायलों को एम्बुलेंस तक पहुंचाया उन्होंने, और इस दौरान उनके साथ प्रियंका गांधी भी मौजूद रही। राहुल गांधी के रोड शो के दौरान हुए हादसे के बीच राहुल और प्रियंका खुद रोड शो छोड़कर घायलों के बीच पहुंचे और युवक को स्ट्रेचर पर लेकर जाते दिखे। इस दौरान प्रियंका गांधी खुद अपने हाथ में जूते लिए दिखी। वहीं अमेठी में राहुल गांधी के ऑपोजिट बीजेपी के उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने एक बार फिर राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। स्मृति ने कहा कि राहुल अपनी दूसरी सीट से उन लोगों को समर्थन लेकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं जो लोग देश के टुकड़े होने की बात करते हैं। लोकसभा चुनाव 2019 की हॉट सीट अमेठी में बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी अपने 2 दिवसीय दौरे पर हैं। स्मृति ने अमेठी से राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि जिस अमेठी को 15 साल तक एक लापता सांसद झेलना पड़ा, जहां की व्यवस्थाओं को छिन्न भिन्न किया, उसी अमेठी को सशक्त करने के लिए दायित्व बीजेपी ने मुझे दिया है। बुलंदशहर में जनसभा के दौरान सीएम योगी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। योगी ने कहा कि राहुल की हार अमेठी से निश्चित है, इसलिए वो केरल भाग गए हैं। केरल में राहुल उस मुस्लिम लीग के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं जो देश के विभाजन का कारण थी। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। सरकारी नवरत्न कंपनियों के घाटे और निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि 3 प्राइवेट कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए मोदी सरकार सरकारी कंपनियों को कमजोर कर रही है।
आंध्र प्रदेश में रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने चंद्रबाबू नायडू पर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू अवसरवादी नेता हैं, अटल जी के कार्यकाल में वो एनडीए में शामिल हुए, एनडीए के सत्ता से बाहर होते ही एनडीए छोड़ दिया, वहीं जब उन्हें लगा कि मोदी जी 2014 में जीतने वाले हैं उन्होंने एनडीए ज्वाइन कर लिया और अब उन्होंने एनडीए से नाता तोड़ लिया है। चंद्रबाबू नायडू के लिए अब एनडीए में कोई जगह नहीं है। सुल्तानपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता मेनका गांधी ने मायावती को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने मायावती को टिकट का सौदागर करार दिया है। मेनका ने कहा कि मायावती टिकट बेचती हैं, ये तो उनकी पार्टी के लोग गर्व से बोलते हैं। तीन बार सांसद रहे वंचित बहुजन अघाड़ी प्रकाश आम्बेडकर के खिलाफ चुनाव आयोग ने एफआईआर दर्ज करवाई है। ये एफआईआर उनके बयान के लिए दर्ज कराई गई है जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर उनकी सरकार आ गई तो वो चुनाव आयोग को दो दिन के लिए जेल भेज देंगे। महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के रैली में आम्बेडकर के इस बयान पर संज्ञान लेते हुए राज्य चुनाव आयोग ने स्थानीय चुनाव अधिकारियों से मामले पर रिपोर्ट तलब की है। अंबेडकर ने गुरुवार को एक रैली में कहा था, हमने अपने 40 जवान खो दिए लेकिन फिर भी चुप हैं। हमें कहा गया है कि पुलवामा हमले पर बात न की जाए, चुनाव आयोग हमें चुप कैसे करा सकता है? हमारे संविधान में हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। मैं भाजपा ही नहीं हूं, अगर मैं सत्ता में आया तो चुनाव आयोग को दो दिन के लिए जेल भेजूंगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर अपने अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। कूच बिहार की एक रैली में ममता ने कहा, मोदी अगर फिर सत्ता में आए तो वो संविधान को ठुकरा देंगे और देश के लोकतांत्रिक की जगह एक ही व्यक्ति पर केंद्रित देश बना देंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो ये लोकसभा चुनाव देश का अंतिम चुनाव हो सकता है। मोदी के तीन नारे हैं, लूट, दंगे और लोगों की हत्या। सीएम ममता ने मैं भी चौकीदार अभियान को लेकर पीएम मोदी का मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि 2014 लोकसभा चुनावों के दौरान किए गए वायदे पूरे करने में नाकाम चाय वाला अब लोगों को मूर्ख बनाने के लिए चौकीदार बन गया है। उन्होंने मोदी को चुनौती दी कि वो आम चुनाव में देश भर में 125 से ज्यादा सीट जीत कर दिखाए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष ममता बनर्जी ने बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी धोखेबाजों और दंगाबाजों की पार्टी है, मुझे पीएम मोदी से देशभक्ति का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक्सपायरी बाबू करार दिया और उन्हें सीधी बहस की चुनौती दी। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में हुए एक अग्निकांड में दो सैन्य कर्मियों की मौत की खबर है। इंदौर के पास महू में सेना की बिरचा और हीमा रेंज में हुए इस अग्निकांड में कुछ सैन्य कर्मी घायल भी हुए हैं जिन्हें सैन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूत्रों के अनुसार गुरुवार को रेंज में हो रही फायरिंग प्रैक्टिस के दौरान आग लगने से ही ये सैन्यकर्मी हताहत हुए हैं। शुरुआती जानकारी के अनुसार महू के पास गुरुवार सुबह सेना की एक फायरिंग रेंज में आग लगी थी। हालांकि सेना की तरफ से इस संबंध में अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है और इस मामले की जांच अब भी जारी है। सुल्तानपुर में एक जनसभा के दौरान मेनका गांधी ने मायावती पर जबरदस्त हमला बोला। मेनका ने कहा कि मायावती टिकट बेचती हैं, उनके 77 घर हैं, उनके लोग भी गर्व से बोलते हैं कि मायावती या तो हीरो में लेती हैं या पैसों में, वे एक टिकट के लिए 15 करोड़ रुपए लेती हैं। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर बेहद विवादित बयान दिया है। कश्मीर से धारा 370 खत्म करने के अमित शाह के बयान पर सख्त हिदायत दी है। मुफ्ती ने कहा कि अगर कश्मीर से धारा 370 खत्म की गई तो भारत जम्मू कश्मीर पर महज कब्जा करने वाली ताकत होगी। जिस तरह फलिस्तीन पर इसराइल का कब्जा है उसी तरह जम्मू और कश्मीर पर भी हिंदुस्तान का सिर्फ कब्जा होगा।
वहीं बीजेपी की पूर्व सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके यशवंत सिन्हा ने AFSPA कानून को लेकर बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। सिन्हा ने ट्वीट करते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में अभी अफस्पा को हटाने की बात ही की है, लेकिन आपने तो इसे अरुणाचल प्रदेश में हटा भी दिया। बीजेपी अगर अफस्पा हटाए तो ये देशभक्ति है, लेकिन कोई और अगर ये करने की बात करे तो वो सशस्त्र बलों के खिलाफ और देशद्रोही होता है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है। सूची में दो उम्मीदवारों का नाम है। कांग्रेस ने दाहोद से बाबूभाई कटारा और भरूच से शेरखान अब्दुल शकूर पठान को टिकट दिया है। भरूच सीट को लेकर चर्चा थी कि कांग्रेस इस सीट से राज्यसभा सांसद और सोनिया गांधी के करीबी नेता अहमद पटेल को उतार सकती है। भरूच सीट से सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए कांग्रेस ने शेरखान अब्दुल शकूर पठान के नाम की आधिकारिक घोषणा कर दी है। इसी के साथ कांग्रेस ने गुजरात की सभी लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। सूबे में नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की 12 सीटों के लिए प्रत्याशियों की नई लिस्ट जारी की है, जिसमें मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ को छिंदवाड़ा से टिकट दिया गया है, तो वहीं खंडवा से अरुण यादव, तो उज्जैन से बाबूलाल मालवीय को टिकट दिया गया है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले सपा बसपा गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। गोरखपुर उपचुनाव में बीजेपी को मात देने वाले सांसद प्रवीण निषाद बीजेपी में शामिल हो गए हैं। निषाद पार्टी ने हाल ही में समाजवादी पार्टी ने अपना गठबंधन तोड़ा है। बीजेपी नेता जेपी नड्डा प्रवीण निषाद को भारतीय जनता पार्टी के प्राथमिक सदस्यता उन्होंने दिलाई, और इस दौरान बीजेपी ने यह भी साफ किया कि राष्ट्रीय निषाद पार्टी एनडीए गठबंधन में बीजेपी की सहयोगी बनी है। वहीं सूत्रों के मुताबिक प्रवीण निषाद को भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर सीट से लोकसभा चुनाव में उतार सकती है। लोकसभा चुनाव से पहले तेलंगाना में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। तेलंगाना कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद आनंद भास्कर रापोलू ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। बता दें कि आनंद के भास्कर साल 2012 से 2018 तक राज्यसभा सांसद रहे हैं। पिछले महीने में ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया था। यूपी की सबसे चर्चित और समाजवादी पार्टी की रिजर्व सीट मानी जाने वाली बैनपुरी सीट से बीजेपी उम्मीदवार प्रेम सिंह शाक्य ने नामांकन दाखिल कर दिया, जहां उनका मुकाबला सपा के संस्थापक और कद्दावर नेता मुलायम सिंह यादव से होगा, जिनकी ये परंपरागत सीट मानी जाती है। बिहार में कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल के सामने जमकर नारेबाजी हुई। कांग्रेस मुख्यालय में टिकट कटने से नाराज नेताओं के समर्थकों ने विद्रोही तेवर अपनाया और जमकर बवाल काटा। यह हंगामा उस वक्त हुआ जब चुनाव समिति की बैठक चल रही थी। बैठक में शक्ति सिंह गोहिल और अखिलेश सिंह मौजूद थे। उस दौरान उग्र समर्थकों ने शक्ति सिंह गोहिल के समर्थकों के साथ धक्का मुक्की भी की। कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल इस बार का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने मेहसाणा दंगा केस में मिली उनकी सजा पर रोक लगाने संबंधी याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। वहीं गुजरात में नामांकन का आखिरी दिन था, ऐसे में अब इस बार उनका चुनाव लड़ पाना नामुमकिन है। लोकसभा चुनाव से पहले एक्टर राजपाल यादव दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शीला दीक्षित से मुलाकात उन्होंने की। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि राजपाल यादव जल्द राजनीति में आ सकते हैं। हालांकि मीडिया से बातचीत में राजपाल ने पार्टी ज्वाइन करने की बातों को अफवाह बताया। चुनाव आयोग ने मोदी की सेना वाले बयान पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को नोटिस जारी किया है। आदित्यनाथ को 5 अप्रैल तक नोटिस में पूछे गए सवालों का जवाब देना है। दरअसल 30 मार्च को गाजियाबाद में चुनावी सभा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय सेना को मोदी की सेना कहा था। अभी तक आयोग के पास आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित 30 से ज्यादा शिकायतें आ चुकी हैं।
राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह पर आचार संहिता उल्लंघन के मामले में राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपी गई है, अब गृह मंत्रालय को सौंप दी गई है। दरअसल चुनाव आयोग ने आचार संहिता उल्लंघन मामले में राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी थी, इसमें आचार संहिता उल्लंघन के बारे में विस्तार से बताया गया है। साथ ही कल्याण सिंह पर आगे की कार्रवाई करने के लिए राष्ट्रपति से मंजूरी मांगी गई थी। लोकसभा चुनाव में मतदाता को जागरूक करने के लिए झारखंड के खूंटी में 2000 से ज्यादा छात्रों को जागरूक किया जा रहा है। यहां मतदान करने के लिए छात्रों ने मानव श्रृंखला बनाकर लोगों को जागरूक किया। साथ ही मतदाताओं से अपील की कि मतदान के दिन सभी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। बता दें कि झारखंड में 4 चरणों में मतदान संपन्न होगा। लोकसभा चुनाव में सभी पार्टियां वोटर्स को लुभाने के लिए जी जान लगा रही हैं। इस बार पीएम मोदी की टी शर्ट और सपा बसपा गठबंधन के झंडों की डिमांड बढ़ी है। दूसरी तरफ वोटर्स को लुभाने के लिए मोबाइल कवर भी जनता को खुभा रहे हैं। बिहार के जमुई में स्थानीय लोगों ने सड़क नहीं तो वोट नहीं का नारा लगाया है। लोगों की मांग है कि पहले गांव में सड़क और मूलभूत सुविधाएं दी जाएं, नहीं तो पूरा गांव मतदान नहीं करेगा। इसको लेकर गांव महिलाओं से लेकर बुजुर्गों तक वोट न करने का ऐलान भी उन्होंने कर दिया है। मुजफ्फरपुर जिले में मतदान को लेकर जगह जगह जागरूकता रैली निकाली गई और आई के शाही मीनापुर में छात्राओं ने माता पिता को पत्र लिखकर मतदान में भाग लेने को लेकर एक पत्र लिखा, जिसमें अपनी कसम देते हुए माता पिता भाई बहन को मतदान केंद्र पर भयमुक्त बिना रिश्वत के मतदान करने की अपील की है। लोकसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दल जमकर विज्ञापनों पर खर्च कर रहे हैं और अगर बात गूगल पर विज्ञापनों की करें तो इस मामले में बीजेपी सबसे आगे है। गूगल पर विज्ञापनों में खर्च करने के मामले में बीजेपी ने सभी राजनीतिक दलों को पीछे छोड़ दिया है। कांग्रेस इस रेस में बीजेपी से काफी पीछे और वो 6ठे नंबर पर है। धर्मगुरु दलाई लामा ने कहा कि तिब्बत के लोग 1974 से तिब्बत के मुद्दे पर चीन के साथ एक आपसी सहमति वाले समाधान के इच्छुक हैं, लेकिन पेचिंग उन्हें विखंडनवादी मानता है जबकि वो नहीं है। तिब्बती आध्यात्मिक गुरु ने यहां संवाददाता सम्मेलन में पूछे गए एक सवाल के जवाब में ये बात कही। उन्होंने कहा कि मैं विखंडनवादी नहीं हूं, लेकिन चीन सरकार मुझे विखंडनवादी मानती है। उन्होंने कहा कि ऐसे में चीन सरकार चाहती है कि मैं तिब्बत की स्वतंत्रता के लिए लड़ूं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका चीन व्यापार वार्ता बहुत अच्छी तरह आगे बढ़ रही है, लेकिन उनका इस बात पर बल है कि सभी अमेरिकी चिंताओं का समाधान हो, नहीं तो अमेरिका करार पर दस्तखत नहीं करेगा। उन्होंने व्हाइट हाउस में संवाददाताओं से कहा, ऐसा जान पड़ता है कि करार सही दिशा में जा रहा है। उन्होंने अमेरिकी मांगों के दायरे का जिक्र करते हुए कहा, सभी बातें शामिल की गई, ऐसा कुछ नहीं है जिस पर चर्चा नहीं हो रही है। वो बाद में चीन के व्यापार दूत लियो हो से मिलने वाले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक राजनीतिक दलों और उनसे जुड़े घटक दलों ने फरवरी 2019 तक विज्ञापनों पर लगभग 4 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। बीजेपी विज्ञापनों पर 1.21 करोड़ रुपए खर्च करने के साथ ही सूची में सबसे ऊपर है, जो कि गूगल पर कुल विज्ञापन खर्चों का लगभग 32% है। प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस इस सूची में 6ठे नंबर पर है, जिसने विज्ञापनों पर 54,100 रुपए खर्च किए हैं। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।